और लगातार चढ़ते पारे ने राजधानी लखनऊ में भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। नौतपा के तीसरे दिन आज लखनऊ में भी लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। देखिए दूरदर्शन न्यूज की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो जारी है, जिसे लेकर लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया है। खुद मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और इसे लेकर कहा है कि अगर जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे जानेंगे कि भीषण गर्मी को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, गर्मी को लेकर क्या कहेंगे। गर्मी के लेकर कहना क्या है, अगर रोड पे नहीं निकलेंगे तो खाएंगे क्या, इसलिए अब रोड पर तो निकलना ही पड़ता है, मगर रोड पे दूर दूर तक कोई आदमी नजर ही नहीं आता है। हम लोग अगर 150 रुपए नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या, घर से तो निकल के चले आते हैं कि 2 रुपए कमाएंगे, मगर यहाँ तो कमाई भी नहीं है, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। सवारी बैठ रही है ऑटो में? कहाँ बैठ रही है मैम, इतनी गर्म पड़ रही है कौन बैठेगा, आदमी तो सब एसी मांगते हैं, एसी हम लोग कहाँ चलाएंगे। गर्मी तो बहुत ज्यादा, काम हो ही नहीं रहा है, खाली कान लूलू मोल से खाली चले आ रहे हैं, निराश हो रहे हैं। तो काम ही नहीं तो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं हम लोग। मैम गर्मी को लेकर तो बहुत सारी दिक्कत हो रही है इसमें, गर्मी ज्यादा हो रही है ना, काम वाम करने में भी दिक्कत होती है, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी होती है। गर्मी तो पड़ ही रही, टेम्परेचर बढ़ा हुआ, उमस तो है ही है, उमस है, लेकिन अब हर साल पड़ती है, सावधानी से बात थोड़ा ज्यादा है, सावधानी बरतते हैं हम लोग, वही करना चाहिए सबको। और क्या, गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगा के इंसानों की गर्मी बचाएं, क्योंकि प्रचंड गर्मी का जो प्रकोप है लगातार जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इससे लोगों को राहत मिले। कैमरा पर्सन दिनेश जी के साथ मैं पूजा पांडे, नमस्कार।